एफिलिएट मार्केटिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पे है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरह से एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने एक महीने में एफिलिएट मार्केटिंग से कितना अर्निंग किया है। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटे का आइकॉन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके पास यूट्यूब चैनल या ब्लॉग वेबसाइट होना चाहिए। अगर दोस्तों इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास है तो आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे अर्निंग करेंगे। अगर दोस्तों आपके पास यूट्यूब चैनल है तो आप अपने एफिलिएट लिंक को अपने यूट्यूब वीडियो के द्वारा प्रमोट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक मिल जाएगा। अभी हमने रिसेंटली वीडियो से सारा लिंक वगैरह को हटा दिया है क्योंकि दोस्तों लोगों को कुछ कंफ्यूजन हो जाता था, इस वजह से हमने वहां से हटा दिया है। अभी आपको हमारे वीडियो के अंदर कोई भी तरह का एफिलिएट लिंक नहीं देखने को मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आपके पास खुद का ब्लॉग वेबसाइट है, अच्छा खासा ट्रैफिक आता है तो आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए कुछ प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा जो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, उसे आप डीपली समझें, डीपली करें। अगर दोस्तों आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो अच्छा खासा आप अर्निंग कर सकेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना होगा कि आपका साइट किस तरह का है, आपका साइट किस टॉपिक पे है। अगर दोस्तों आपका साइट ब्लॉग वेबसाइट से रिलेटेड है तो आप वहां पे होस्टिंग और डोमेन का ही सेल लगाएं। कहने का मतलब है होस्टिंग और डोमेन का ही एफिलिएटेड लिंक या बैनर अपने साइट के ऊपर लगाएं जिससे यूजर वहां पे आएंगे, अगर कुछ नया ऑफर होगा तो वहां से जरूर बाय करेंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि मैं सिंपली एक महीने में एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए 36,000 रुपया कमाया है जो कि दोस्तों गूगल एडसेंस से कमाना बहुत ही मुश्किल है। आपके साइट के ऊपर ऐड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके साइट के ऊपर क्लिक भी आना चाहिए ऐड के ऊपर, तभी आपको अर्निंग होगी। और दोस्तों यहाँ पे कुछ इनवैलिड एक्टिविटी या इनवैलिड क्लिक का भी पैसा काटा जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो उसका आपको कमीशन मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात रही कि आप किस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करें जिससे आपको अच्छा खासा कमीशन मिले। मान लीजिए कोई 4,000 रुपये का प्रोडक्ट बाय करता है तो आपको 2,000 रुपये कम से कम कमीशन मिले। उस तरह के प्रोडक्ट को आप सेल करने की कोशिश करें। अगर दोस्तों आप वहाँ पे मोबाइल सेल कर रहे हैं, जूता चप्पल सेल कर रहे हैं, लिपस्टिक सेल कर रहे हैं, इस तरह का मान लीजिए आप लोग एफिलिएटेड लिंक वगैरह लगा रहे हैं तो वहां से आप लोग अर्निंग नहीं कर पाएंगे। अभी के डेट में एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए कुछ लोग इतना पैसा कमा रहे हैं जिसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। मुझे भी यकीन नहीं होता था लेकिन दोस्तों जब हमारी अर्निंग हुई तब मुझे यकीन हुआ कि नहीं भाई, सही में एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपने साइट में किस तरह का एफिलिएट लिंक लगाएं जिससे आपको अच्छा खासा पैसा हो। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपका साइट ब्लॉग वेबसाइट से रिलेटेड है, वहां पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं तो आप लोग सिर्फ होस्टिंग और डोमेन को ही सेल करके इतना पैसा कमा लेंगे कि आपको गूगल एडसेंस अकाउंट अगर नहीं भी है तो भी दोस्तों वहां से आप लोग अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। अगर दोस्तों आपके साइट से 10 होस्टिंग अगर बाय हो जाता है तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि आपको महीने में कितनी अर्निंग होगी। अगर दोस्तों आपके साइट से 10 होस्टिंग बाय हो जाती है तो कम से कम आपका 15,000-12,000 आपका बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग सिर्फ होस्टिंग बाय कर देते हैं महीने में, अगर मान लीजिए आप टारगेट लेके चलते हैं 10 होस्टिंग, तो आप कम से कम 10,000-12,000 कमा सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आप कहाँ पे साइन अप करें, कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सके। सबसे पहला है दोस्तों होस्टगेटर, उसके बाद चला गया गोडैडी, उसके बाद है नेमचीप, उसके बाद है आपको रीसेलर क्लब। अगर दोस्तों इन चार बड़े होस्टिंग कंपनी से अगर आप लोग एफिलिएट अकाउंट लेने में कामयाब हो जाते हैं
और अपने साइट के ऊपर एफिलिएट लिंक यूज करते हैं, अगर वहां से आप लोग महीने में 10 होस्टिंग भी बाय करवा देते हैं तो कम से कम आप 12 से 15 हजार रुपया महीने में अर्निंग करेंगे। अगर दोस्तों आपका साइट ब्यूटी टिप्स है या हेल्थ से रिलेटेड है तो आप Amazon वगैरह से जा सकते हैं, वी कमीशन में जा सकते हैं, क्लिकबैक में आप जाके साइन अप करके वहां के प्रोडक्ट को अपने साइट पे प्रमोट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ गूगल एडसेंस से अर्निंग करना चाहते हैं, जैसा कि दोस्तों मैं भी चाहता था, मैं भी एफिलिएट मार्केटिंग में एंट्री नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं सोचता था भाई प्रोडक्ट कौन बाय करेगा। जैसे ही दोस्तों हमने इस फील्ड में एंट्री किया, अगर दोस्तों आप लोग अपने साइट से अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करें, यहाँ पे दोस्तों बहुत ही पैसा है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग एफिलिएट लिंक को किस तरह अपने ब्लॉग वेबसाइट में यूज करें या आप लोग अपना खुद का एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। न्यू चैनल पे आपको सबसे पहला वीडियो यही देखने को मिलेगा कि आप लोग किस तरह से ब्लॉगर में अपना खुद का एफिलिएट वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।